बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी मैं इसलिए बना रही हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हुए हैं और बहुत अच्छे टमाटर आए हुए हैं, तो थोड़ी बचत की कर ली जाए, इसलिए मैंने कहा कि चलो आज टमाटर प्यूरी बना लेते हैं। टमाटो प्यूरी बना लेते हैं। ये मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा टमाटर आ गए थे, तकरीबन गांव से बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो इस वजह से मैं ये 2 किलो टमाटरों की प्यूरी बना रही हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं टमाटर प्यूरी बनाने के लिए। तो ये मैंने टमाटर जो लिए हैं इनको मैं यहाँ से काट दूँगी और यहाँ पीछे की तरफ कट लगा कर उबाल लूँगी, यहाँ से काट कर। ये देखें, इस तरह से ये मैं काट लूँगी और यहाँ पर मैं कट लगा लूँगी। तो इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ मैं आगे। तो ये देखें, मैंने ये सब टमाटरों पे कट लगा लिए हैं और जो सिरा था मुँह का वो भी हटा दिया है। तो अब मैं इसमें पानी डालकर उबालने के लिए रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और मैं ये 10 मिनट उबाल आने के 10 मिनट बाद तक इसको उबाल लूँगी, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखें, ये हो गया है तैयार, यानी छिलका उतरने के लिए ये तैयार हो गया है। तो मैं इसका अभी छिलका हटा दूँगी। ये देखें, बिल्कुल ये देखें, ये हट रहा है, ये देखें। तो मैं इसे दूसरे बर्तन में डालकर इसका छिलका उतारती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने ये साफ़ कर लिए हैं। अब मैं इसे ब्लेंडर में डालकर पीस लूँगी, इसको ब्लेंड कर लूँगी बिल्कुल बारीक सा। तो मैं ये पीस कर दिखाती हूँ आपको। ये जग है ब्लेंडर का, ये मैं इसमें आधे करके डालूंगी क्योंकि ये सारे नहीं आएंगे, जग छोटा है और ये तकरीबन 1.5-2 किलो के करीब हैं। तो मैं इसमें आधे डाल दूंगी, आधे बाद में डालूंगी। तो और मशीन भी, ब्लेंडर की मशीन भी मेरे कैमरे से दूर है, तो मैं आपको पता ही है कि ये ब्लेंडर जग है। और ये पीस कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये मैंने पीस लिया है, ये मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और दूसरा मैं डालकर ले जाऊंगी पीसने के लिए। ये देखें, मैंने ब्लेंड कर बिल्कुल बारीक पीस लिया है, ये देखें। और पानी भी ज़्यादा नहीं डाला मैंने, ताकि ये ज़्यादा पकाना, गाढ़ा करने के लिए ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा मुझे। सिर्फ 10 मिनट में मैं इसको तैयार कर लूँगी। ये हल्का, इसको आँच लगा दें हल्की हल्की, हल्के चूल्हे पे, ताकि इसकी साइड जले नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बचत के लिए इसको सेव करके रखें। ये हमारी बहुत सी रेसिपी ऐसी होती हैं जिसमें टमाटो प्यूरी हमें डालनी होती है, तो हम उसमें भी यूज़ करने के लिए, चाहे महंगा हो या सस्ता हो, टमाटर लेना पड़ता है, प्यूरी को लेना पड़ता है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून चीनी, शुगर डाल सकते हैं, 1 टीस्पून डाल सकते हैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून डालेंगे हम टाटरी, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक। लेकिन मैं इसमें से कुछ भी नहीं डालूंगी सिवाय टाटरी के, मैं सिर्फ टाटरी डालकर इसको पका लूँगी। थोड़ा पकाने के बाद मैं इसमें टाटरी मिक्स कर दूँगी 1 टीस्पून। अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहें तो रेड कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून, वरना मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस बहुत बेहतरीन लग रहा है, कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कलर की। हम ये 1 महीने 1.5 महीने तक इस्तेमाल कर सकेंगे। आप ये खाने बनाने के लिए भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी होती है बाज़ ऐसी, बहुत सी रेसिपी ऐसी हैं जिसमें प्यूरी इस्तेमाल होती है, तो हम, यानी हमें अगर बना कर रख लें तो ये हमें फ़ौरन
मिल जाएगी। खाने बनाते वक्त हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि वो हो तो हम खाने बनाएं। अगर आपके पास बनी भी रखी होगी तो आप आराम से ये बना सकती हैं। तो ये जो वाइट सा ये झाग ऊपर आया हुआ है, ये थोड़ा रिमूव हो जाए, ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तो ये देखें, इस पे जो पिंक पिंक से जो झाग बने हुए थे वो सारे ख़त्म हो गए, ये देखें, और ये गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें टाटरी, ये हाफ टेबल स्पून है, और एक टीस्पून से कम है या एक टीस्पून होगा मेरे ख्याल से, बस इतना ही डालना है, एक टीस्पून। और ये हो गई है हमारी प्यूरी तैयार, टमाटो प्यूरी हमारी हो गई है तैयार। तो ये ठंडा हो जाता है तो मैं आपको इसको बोतलों में डाल दूँगी और फ्रीज कर दूँगी। ये देखें बिल्कुल शानदार, ये देखें बहुत मज़ेदार, शक्ल से ही बहुत शानदार और लजीज लग रही है। तो मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊँगी। ये ठंडा हो गया है तो मैं इन्हें बोतलों में डाल दूँगी। बोतल ज़रूर होंगी आपके पास, ये केचप की हमारे पास इतनी सारी जमा हो जाती हैं, केचप की बोतलें, शुक्राल की बोतलें होती हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पास शुक्राल का जार है इतना बड़ा, मैं उसमें डालूँगी। ये देखें, ये जार मेरा शुक्राल का है और मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इसे धो लिया अच्छी तरह से, छोटे मग है मेरे पास, मैं उससे डाल रही हूँ, ये आराम से इसमें चला जाएगा इस तरह। ये देखें मैंने फुल कर दिया है इसे, आधी बोतल और है, अभी कढ़ाई में आधी बोतल और रखी है तो वो भी मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें बनकर हो गई हैं दो बोतलें तैयार, यानी एक फुल है और एक हाफ है। ये 2 किलो टमाटर थे तकरीबन, तो मैंने 2 किलो टमाटरों में ये तैयार कर लिए है। बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से हम अपने घर में, अपने किचन में ये तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।